नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमोबाइल ज्ञान के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, साइकिल का यूज तो हम में से सभी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। ऐसे में होता क्या है कि जब भी हमें थोड़ा ज्यादा दूर जाना होता है, यानी कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, या फिर हमें किसी और को साथ में कैरी करना होता है, कुछ सामान कैरी करना होता है, भारी सामान, या फिर तीसरी बात यह हो सकती है कि मौसम बहुत ठंड का हो, बहुत ही गर्मी का हो, तो इस सिचुएशन में हम कभी ना कभी सोचते हैं कि अगर हमारी साइकिल में पेडलिंग के अलावा कुछ बैटरी का सिस्टम होता या कुछ इंजन सेट होता तो कितना अच्छा होता, कि जितनी देर हमारा मन करता हम पैडल यूज करते और थोड़ी देर के बाद हम फिर से वो सिस्टम ऑन कर देते और हमें पैडल यूज ना करना पड़ता। तो दोस्तों, अब हमारा ये सपना सच हो चुका है और एम्पियर नाम की एक कंपनी ने ठीक इसी तरह की साइकिल बनाई है जिस तरह के साइकिल के बारे में हम सोच रहे थे, यानी कि पैडल के अलावा इसमें आपको बैटरी और बैटरी मोटर का सिस्टम भी मिलेगा। जब तक आपका मन करे आप पैडल यूज कीजिए और जब भी आप थक जाए तो आप सिंपली इस मोटर को ऑन कीजिए और आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली चलेगी। दोस्तों, इस साइकिल का पूरा नाम है एम्पियर एंजल इलेक्ट्रिक साइकिल। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको एक 36 वोल्ट 12 एएच की बैटरी मिलती है जिसे चार्ज करने में 6 से 8 घंटे लगेंगे और इस बैटरी का जो पावर बैकअप होगा वो 50 किलोमीटर तक का होगा, यानी कि इसको फुल चार्ज करने के बाद आप अपनी साइकिल को 50 किलोमीटर तक रन करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है वो 250 वॉट का है और इस मोटर से चलाने पर आपकी साइकिल की जो टॉप स्पीड होगी वो 25 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। दोस्तों, ये साइकिल कितना वेट कैरी कर सकती है इसके बारे में इनकी वेबसाइट पे कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन इसके मोटर की कैपेसिटी से हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम मोटर यूज़ करके साइकिल को चलाते हैं तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट कैरी करना शायद इस कैपेसिटी के मोटर के लिए मुश्किल होगा, तो आप 100 किलोग्राम्स को एक लिमिट मानकर चल सकते हैं। दोस्तों, इस साइकिल में हमें फ्रंट और रियर दोनों ही ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं जो कि आज के टाइम में हमें 110 सीसी की कुछ मोटरसाइकिल्स और 100 सीसी की लगभग सभी मोटरसाइकिल्स में मिल जाते हैं। दोस्तों, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 2 है, यानी कि दो लोग बैठ सकते हैं, एक जो आगे चलाने वाला और पीछे एक अलग से सीट दी हुई है जिसमें कोई भी दूसरा बंदा बैठ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका व्हील साइज 24 इंचेस का है और इसमें आपको स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। ये साइकिल आपके लिए मार्केट में 3 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, हालांकि इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे दिखा रखा है उसमें 2 ही कलर्स दिखा रखे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें 3 कलर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, साइकिल का ओवरऑल वेट जो कि बैटरी और मोटर को मिलाकर है वो 45 केजी है, यानी कि इतना इजी नहीं होगा आपके लिए एक हाथ से अपनी साइकिल को उठाना जैसे कि आप अपनी नॉर्मल साइकिल को उठा लेते हैं। दोस्तों, इतने सारे फीचर्स हैं साइकिल में तो आप इसके प्राइस के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे साइकिल के प्राइस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है और मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की तो इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इंडिया मार्ट नाम की एक वेबसाइट है उस पर जब मैंने साइकिल का प्राइस चेक किया तो वहां पे साइकिल का प्राइस 24,500 रुपीस मेंशन है। दोस्तों, जब मैंने इनकी वेबसाइट पे इनके स्टोर्स की लिस्ट चेक की तो काफी लंबी लिस्ट है इंडिया में इनके स्टोर्स की। आप चेक कीजिए कि आपके नियरेस्ट कौन सा स्टोर है एम्पियर का और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इनके स्टोर्स की लिस्ट और एड्रेस जान सकेंगे और आप टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं। इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, टेस्ट राइड लीजिए और अगर पसंद आए तो परचेज भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।